तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट का अपडेट सामने आ रहा है। और काफ़ी दिन से इस चीज़ें सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है बहुत जल्दी जारी हो सकता है। और बहुत सारे आपने YouTube पे वीडियो देखे होंगे कि आज रिजल्ट जारी हो सकता है, कल रिजल्ट जारी हो सकता है। साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। उसके अलावा आपके जो दौड़ भाग की परीक्षा है, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, वो कब तक कराया जा सकता है। साथियों, तो जितने मेरे भाई अगर चैनल पर नए होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इसके अलावा वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो इस चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया होगा। साथियों, तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ, कल एक नोटिस आई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, कि जिसमें कहा गया है कि आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो परीक्षा हुआ था 2023 वाला, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि रिजल्ट के बाद ही आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, उसका प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी दौड़ भाग और नाप जो भी है, नाप ऑफ की जाती है, ऊंचाई लंबाई और वजन किया जाता है। तो उसमें ये लिखा था कि जो भी मशीनें हैं, ऊंचाई वाली, ऊंचाई नापने वाली, आपकी लंबाई नापने वाली, वजन नापने वाली, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको जो है जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए, उसको बनवाया जाए। उसके संदर्भ में एक नोटिस आई थी। साथियों, तो कल जब ये नोटिस आई तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आउट हो सकता है। फिलहाल कल तो आया नहीं रिजल्ट, जबकि बहुत सारे मतलब जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, सबकी उम्मीद थी कल रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, लेकिन कल तो रिजल्ट आया नहीं। आज धनतेरस है, आज के दिन जो है छुट्टी तो नहीं है, लेकिन आज रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा कल छोटी दीपावली, परसों बड़ी दीपावली है, तो कल से छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। तो कल और परसों भी रिजल्ट आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप मान के चलिए कि अक्टूबर के महीने में रिजल्ट नहीं आने वाला है। और लेकिन आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे मीडिया एजेंसीज जो हैं, मीडिया चैनल, आपको मेरे बगल में दिख रहा होगा, लगभग सभी लोगों ने ये पोस्ट किया है कि यूपी पुलिस भर्ती का जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो नवंबर का महीना है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब साथियों, मैं बात करता हूँ इसके जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, दौड़ भाग की परीक्षा, वो कब तक हो सकती है। आप देखिए, सबसे पहले जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, पहली बार जो पेपर लीक हुआ, अनएक्सपेक्टेड था, वो भी अचानक से डेट आई और अचानक से पेपर हो, किसी को उम्मीद नहीं थी कितना जल्दी पेपर हो सकता है। कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल है, कोई ये उम्मीद ही नहीं कर रहा था कितना जल्दी पेपर होगा, लेकिन पेपर इतना जल्दी हो गया। और पेपर फिर लीक हुआ, कैंसिल हुआ पेपर, दोबारा पेपर की डेट आई, वो भी अनएक्सपेक्टेड थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कितना जल्दी पेपर की डेट आ जाएगा, लेकिन पेपर की डेट आई, सक्सेसफुली पेपर कंडक्ट हुआ, आउट नहीं हुआ पेपर, बिल्कुल आउट नहीं हुआ, सब कुछ सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, आंसर किया, आप लोगों ने आंसर किए, अपने मार्क्स चेक किए और बहुत सारे मेरे भाइयों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था जिसमें बहुत सारे मेरे भाई के मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, मतलब 217, 230, 235, 240, 248 तक भी हैं। तो आप लोग का सिलेक्शन से हो रहा है, बस बात आ जाती है फिजिकल की। अब दोस्तों, मैं फिजिकल की बात करता हूँ, ये भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होने वाला है, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि फिजिकल इतना जल्दी हो जाएगा और अचानक से डेट आएगी, अचानक से फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ साथियों, आपके जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का जो एग्जाम है, वो आने वाले 1 से 1.5 महीने में करा लिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहेगी पार्टी। इसके ऊपर जो रोजगार न देने का एक टैग लगा है, उसको पार्टी बिल्कुल अपने सर से हटाना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कोई भी पार्टी इसको अपने हाथ से नहीं निकलना देना चाहती है। क्योंकि भाई इतना बड़ा राज्य है, सारे पॉलिटिकल रास्ते यहीं से खुलते हैं, तो ये जो टैग है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार अपने माथे से हटाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें इनका फायदा लेना है। भाई रोजगार इस बार बड़ा मुद्दा बना है और इसी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने भी समझा, तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि नई भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की अनाउंस की गई है, या कि आने वाले 2025 में हम नई भर्ती लेकर आएंगे। तो नई भर्ती लाने से पहले जो ये पुरानी भर्ती है 60,244 वाला, इसको तो कंफर्म करना पड़ेगा, ये तो 100% से हो रहा है, इसको आप लोग मानते हैं। तो उसके लिए आप मान के चलिए कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक हफ्ते के अंदर जब रिजल्ट आएगा, फिर आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट करा लिया जाएगा और फिजिकल कंप्लीट भी करा लिया जाएगा। फिर मेडिकल का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। जैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी, जैसे तुरंत नेक्स्ट ईयर 2025 में आपकी नई वैकेंसी अनाउंस कर दी जाएगी। क्योंकि भाई किसी भी तरीके से 2027 में जो चुनाव होने हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि मेरी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल जो एक कैपेसिटी है, जो पॉलिटिकल मेरा पकड़ है, वो कम हो। क्योंकि यूपी इतना बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है गवर्नमेंट को ये। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार ही, एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। अक्टूबर के महीने में बिल्कुल रिजल्ट नहीं आना है, तो नवंबर के महीने में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका तुरंत जो है
जो आने वाला महीना है आपका दिसंबर तक, दिसंबर मिड में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको 100% मान के चलिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी फिजिकल में टाइम है। अगर आप लोगों ने अभी तक दौड़ भाग का प्रैक्टिस करना नहीं स्टार्ट किया, भाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, तो प्रैक्टिस मांगता है। ऐसी कोई चीज़ आसानी से नहीं हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगर आपकी डेट आएगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, तो आपको अगर दौड़ भाग की प्रैक्टिस नहीं रहेगी आपकी, तो यार आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। बहुत सारे मेरे भाइयों के इस बार बहुत अच्छे मार्क्स है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो 5 किलोमीटर की रनिंग है इसको पास करने के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट आप ग्राउंड में सुबह उठने की, देखिए किसी भी जीत की तैयारी उसके पहले कदम से होती है, तो आप लोग मान लीजिए दौड़ना मत स्टार्ट कीजिए, लेकिन सुबह उठने की प्रैक्टिस आप कीजिए। सुबह उठना भी बहुत बड़ी बात होती है। ग्राउंड में जाइए, घूम टहल के चले आइए। तो ये जो मैंने बताया 60,344 पद हैं, इसका रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाएगा, 1 से 1.5-2 महीने के अंदर फिजिकल भी हो जाएगा, फिर मेडिकल, फिर जो नया भर्ती आने वाली है। बहुत सारे भाई 2025 के नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फरवरी मार्च के महीने में आपकी नई भर्ती भी आ जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की। ये 100% कन्फर्म है साथियों। तो ये रहा कुछ अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर पढ़े हैं कि आज रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आ जाना है साथियों, और फिजिकल का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आपको क्या लगता है कब तक रिजल्ट आ सकता है इसका, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का एग्जाम कब तक हो सकता है? आपकी जो भी राय हो, आपको जो भी जानकारी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक जो चैनल पर नए होंगे। इसके अलावा जिन भाइयों ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया होगा, आप लोग उनके पास ये वीडियो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट के लिए। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।